का स्वागत है हमारे रिपेयर अप्लाई से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक गीजर के एलिमेंट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपका एलिमेंट हर साल ख़राब हो जाता है तो उसका मैं आपको रीज़न बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि वो किस वजह से ख़राब होता है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक गीजर लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं सामने। और इसके अंदर दोस्तों जो एलिमेंट होता है वो इस तरह का एलिमेंट होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये हमारे पास एलिमेंट है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और नया फ्रेश एलिमेंट है। तो दोस्तों, जो इसके अंदर से ख़राब निकलेगा उसकी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होगा। वो दोस्तों ऐसा हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर वाइट कार्बन जो है काफ़ी ज़्यादा चढ़ गई है। तो दोस्तों, इसका जो ख़राब होने का मेन रीज़न होता है ये कार्बन ही होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ये हीट होगा, तो अगर इसके ऊपर ये कार्बन वाइट आई होगी तो इसकी जो हीटिंग है वो पानी में नहीं लग पाएगी, उससे पानी गर्म नहीं होगा, ये एलिमेंट खुद ही गर्म हो जाएगा। इसकी जो हीटिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी, उससे पानी गर्म नहीं होगा, ये एलिमेंट की जो बॉडी है ऊपर वाली ये गर्म हो जाएगी, और गर्म होने से इसमें क्रैकेज आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, इसमें भी यहाँ पे क्रैक्स आए हुए हैं। ये क्रैक होने से दोस्तों इसका जो एलिमेंट अंदर वाला, इसके अंदर एलिमेंट होता है, ऊपर इसकी बॉडी होती है, ये इसका जो एलिमेंट है ये पानी से टच होना शुरू हो जाता है और हमारे पानी में करंट आ जाता है, और करंट आने की वजह से इसका जो एलिमेंट है वो शॉर्ट हो जाता है और एलिमेंट सड़ जाता है। तो ये दोस्तों इसका मेन रीज़न होता है, जिसकी जो कार्बन है, कार्बन की वजह से ही इस पर जो इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसका दोस्तों सोल्यूशन क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो आप दोस्तों इसमें के लिए एलिमेंट बढ़िया यूज़ करें जो कॉपर कोडिंग में हो, और कॉपर कोडिंग में दोस्तों दूसरे एलिमेंट के मुकाबले कार्बन कम आती है, वो भी आपको एलिमेंट दिखाऊँगा मैं। तो ये दोस्तों हमारे पास कॉपर कोडिंग का एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट है दोस्तों ये। तो अगर आप ये यूज़ करोगे तो इसके आपके जो गीज़र की लाइफ है काफ़ी बढ़ जाएगी। ये एलिमेंट दोस्तों काफ़ी टाइम लंबे समय तक चल जाता है। तो अगर आप ये एलिमेंट मंगवाना चाहते हो, इसका लिंक मैं आपको डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप हमसे भी ये मंगवा सकते हो। ये काफ़ी हैवी एलिमेंट है, इस पर कार्बन काफ़ी देर बाद आती है और जल्दी आती नहीं है, और काफ़ी लंबे समय तक ये एलिमेंट चल जाता है, और काफ़ी ये हैवी एलिमेंट होता है। तो अगर आप में ये दिक्कत आ रही है गीज़र में कि हर साल आपको एलिमेंट डलवाना पड़ता है, तो आप बढ़िया हैवी एलिमेंट डालें जिस पर कार्बन ना आए। तो इसका ये सलूशन है आपको दोस्तों कि कार्बन कम आने वाला ही एलिमेंट आप यूज़ करें जिस पर कोडिंग की हो, कॉपर की, जब वो खुद ही पूरा कॉपर का बना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो देखने के लिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लगातार हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि ऐसी बहुत सारी और वीडियो आपको हमारी रेगुलर मिलती रहे।